अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में आने वाले मोस्ट रिपीटेड वर्बल एमसीक्यू, जो तमाम सेंटर्स पे ऑलरेडी पूछे गए हैं, जो तमाम सेंटर्स में मोस्टली रिपीट होते हैं। आर्मी के जितने भी कोर्सेज़ हैं, एयर फोर्स के जितने भी कोर्सेज़ हैं और नेवी के जितने भी कोर्सेज़ हैं, उन तमाम के वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर ये तमाम एमसीक्यूज मोस्टली रिपीट हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इफ़ 28th डे ऑफ मंथ इज़ संडे, देन द सेकेंड डे विल बी, अगर 28th डे जो है मंथ का वो संडे है, तो सेकेंड डे क्या होगा? क्या वो मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, थर्सडे होगा या फिर सैटरडे होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ट्यूसडे। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं और बाद में देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या था। अब इसका मेथड जान लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। 28 माइनस 7, अब 7 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। तो 28 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 21, तो 21st डे जो है वो भी संडे होगा। 21 माइनस 7, तो 14th डे जो है वो भी संडे होगा। 14 माइनस 7, तो 7th डे जो है वो भी संडे होगा। अब 7 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकेंड डे आएगा ना। अब संडे में से रिवर्स हमने करने हैं 5 डेज, मतलब कि सैटरडे, फिर फ्राइडे, वेंसडे, थर्सडे, वेंसडे कह क्यों, सैटरडे, फिर फ्राइडे, फिर थर्सडे, फिर वेंसडे और फिर ट्यूसडे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ट्यूसडे। ठीक है। 90% ऑफ 90 इज़ 61, 71, 81 और 91। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 81। अब देखिए, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे 9 9 सा 81। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 81। अब इसको सॉल्व करने का मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। 90 डिवाइडेड बाय परसेंटेज का साइन ख़त्म करके हमने नीचे 100 कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90। अब देखें, यहाँ पे जो 100 का एक ज़ीरो है वो इस 9 से ज़ीरो कैंसिल हो गया, 90 से कैंसिल हो गया, और एक जो ज़ीरो है 100 का वो इस 90 से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच गया, 9 और 9, 9 9 सा 81। ठीक है। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज़ क्या, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है आंसर, या फिर 6 आता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 3। अब जान लेते हैं कैसे। 1/3 का मतलब है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10% है, तो परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइडेड बाय 100 कर दिया हमने और मल्टीप्लाई बाय 90। अब देखें, जो 100 नीचे था, एक ज़ीरो जो है ऊपर 10 से कट गया और एक ज़ीरो जो है वो 90 से कट गया। ठीक है, तो पीछे क्या बचा, ऊपर 9 आ गया और डिवाइडेड बाय 3 आ गया, तो 3 1 3 और 3 3 9। ठीक है। 80% ऑफ 90 इज़ 72, 73, 74 और 75। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 72। कैसे, 9 8 72, बट इसको सॉल्व करने का मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। 80% का साइन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90। सो द करेक्ट यहाँ पे कैसे हुआ, 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 8 9 72। ट्रेन स्पीड इज़ डबल देन दैट ऑफ कार एंड द कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स। अब एक कार है जो 60 मिनट्स के अंदर 30 किलोमीटर तय करती है सफ़र, और ट्रेन की स्पीड कार से डबल है, मतलब कि कार अगर 30 किलोमीटर ट्रैवल करी है 1 घंटे के अंदर, तो ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करी है 1 घंटे के अंदर। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स, अब 30 मिनट्स कहते हैं उसका हाफ कर लें तो वो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। ऑप्शन देखते हैं, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 30 किलोमीटर। ठीक है, अभी मैंने आपको सॉल्व करने का मेथड बताया, उससे 30 किलोमीटर आंसर आता है। इफ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज मंडे, देन द 12th डे विल बी, अगर जो सेकेंड डे है मंथ का वो मंडे है, तो 12th डे क्या होगा, वेंसडे होगा। अभी पिछला जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें हमने देखा था कि 28th डे पूछा हुआ था, तो सेकेंड हमें बताना था। अब सेकेंड हमें बताया हुआ है कि मंडे है, तो 12th पूछा गया है कि क्या होगा, वेंसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा या फिर सैटरडे होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ फ्राइडे। ठीक है, अब इसको जान लेते हैं कैसे हुआ है। 2 प्लस 7, अब 7 क्यों ऐड किया था, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 9th डे विल बी मंडे।
और 9 + 3 अगर करेंगे तो 12 आएगा, तो मंडे के अंदर थ्री थ्री डेज जो हैं वो ऐड कर लेते हैं, सॉरी ट्यूसडे वेंसडे और फिर थर्सडे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, सॉरी यहाँ पे आंसर फ्राइडे नहीं आएगा, थर्सडे आएगा। ठीक है, मंडे हो गया, ट्यूसडे वेंसडे और फिर थर्सडे। ठीक है, तो आंसर जो है वो फ्राइडे नहीं थर्सडे है। इन अ क्लास रूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 12 आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। तो हमें परसेंटेज फाइंड करनी है किसकी, प्रेजेंट स्टूडेंट मतलब 1200 की परसेंटेज फाइंड करनी है। 20%, 40%, 60% या फिर 80%। अब आंसर देखिए आप तो 80%। अब इसको सॉल्व करने का मेथड मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है प्रेजेंट स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रेजेंट कितने हैं 1200, टोटल कितने हैं 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखें कि ये दो जीरो इन दो जीरो से कैंसिल होंगे, ऊपर क्या रह गया 1200 डिवाइडेड बाय 15। तो 1200 डिवाइडेड बाय 15 करें तो 80% आंसर आता है। माय मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर, मेरी जो माँ है वो तुम्हारे भाई की बहन है। ठीक है, हु एम आई टू यू, तो मैं तुम्हारी क्या लगी, क्या लगी, कज़न लगी, नेफ्यू लगी, भांजी, अंकल लगी या फिर ब्रदर लगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नेफ्यू। अगर मेरी माँ जो है वो मेरे मामू की बहन है, ब्रदर सिस्टर, अगर मेरी माँ जो है योर ब्रदर सिस्टर, अगर तुम्हारे भाई की सिस्टर है, तो हु एम आई टू यू, तो मैं नेफ्यू हूँ। ठीक है, कमाल इज ओल्डर देन जमाल, कमाल जो है वो ओल्डर है जमाल से। अब देख लें कमाल सबसे बड़ा है, तो जमाल जो है वो ओल्डर है हुसैन से, फिर हुसैन से बड़ा कौन हो गया जमाल, जमाल से बड़ा कौन है कमाल। ठीक है, तो हुसैन इज़ ओल्डर देन वकार, तो हुसैन अब बड़ा हो गया वकार से, मतलब वकार से बड़ा कौन है हुसैन, हुसैन से बड़ा जमाल, जमाल से बड़ा कमाल। हु इज़ द ओल्डेस्ट, तो सबसे बड़ा कौन है, क्या कमाल है, जमाल है, वकार है या फिर हुसैन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ कमाल, कमाल सबसे बड़ा है। If yesterday was Monday, अगर जो पिछला दिन था वो मंडे था, what day is after tomorrow, तो tomorrow के बाद वाला दिन क्या होगा, क्या वो सैटरडे होगा, मंडे होगा, वेंसडे होगा या फिर थर्सडे होगा। तो सैटरडे के बाद वाला, सॉरी टमोरो के बाद वाला दिन हमें जानना है, तो वो क्या होगा, थर्सडे होगा। जान लेते हैं कैसे, यस्टरडे कहते हैं प्रीवियस डे को, जो पिछला दिन था वो क्या था, मंडे था, तो आज वाला दिन क्या हुआ, ट्यूसडे हुआ। आज के बाद टुमारो क्या होगा, वेंसडे होगा, तो वेंसडे के आने वाला मतलब वेंसडे से भी अगला दिन जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, सेलर इज टू एयरफोर्स, सेलर वैसे तो रैंक है नेवी का, बट इसको रिलेट किया हुआ है एयरफोर्स के साथ। देन एयरमैन इज टू, अब एयरमैन किसका रैंक है, एयरफोर्स का, तो एयरमैन के साथ किसको लिंक किया जाएगा, शॉपकीपर को, नेवी को, आर्मी को या फिर एयरफोर्स को। तो एयरमैन को लिंक किया जाएगा नेवी के साथ, ठीक है, क्योंकि सेलर जो है वो नेवी का है और उसको लिंक कर दिया एयरफोर्स के साथ, तो एयरमैन जो है वो एयरफोर्स का है, तो इसको लिंक करेंगे नेवी के साथ। ठीक है, माउंटेन इज़ टू हाइट, माउंटेन को ऐसे हाइट के मुकाबले में हम जो हैं वो समझते हैं, तो ट्रेन को हम किसके मुकाबले देते हैं, लेंथ के, स्पीड के, स्मॉल के या फिर टॉल के। सो द ट्रेन जो है वो किसके होती है, सॉरी, सो द ट्रेन इज लेंथ, क्योंकि ट्रेन की लेंथ काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, इफ फेस इज कोडेड एज 6135 देन ए सी इज कोडेड एज, तो ए सी ई क्या कोड होगा, आप देखें एफ हटा दिया तो सिक्स भी हटा देंगे, तो पीछे क्या बच गया, ए सी मतलब 135 ए सी ई बच गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 135 होगा। ठीक है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से कौन सा है जो डिफरेंट है, मेलन, ऑरेंज, कैरेट या फिर मैंगो। अब मेलन, ऑरेंज, कैरेट, मैंगो जो है, मेलन, ऑरेंज और मैंगो ये तीनों क्या है, फ्रूट्स हैं, बट कैरेट जो है वो वेजिटेबल है। ठीक है,
सो कैरेट जो है वो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट है. इफ़ बॉक्स इज़ टू थ्री, अगर बॉक्स जो है वो थ्री है देन बॉक्सर इज़ टू. देखिए बॉक्स के अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, एक दो तीन, तो थ्री हो गया तो बॉक्सर इज़ टू. क्या होगा, फाइव, फोर, एट या फिर सेवन. तो ये देखिए बॉक्सर को अगर हम करें एक दो तीन चार पाँच, तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ फाइव. ठीक है, वॉट लेटर कम्स फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन द वर्ड ड्राइंग. अगर ड्राइंग को हम रीअरेंज करें अल्फ़ाबेटिकली तो कौन सा लेटर जो है वो फर्स्ट होगा. जी फर्स्ट पे आएगा, डब्ल्यू आएगा, ए आएगा या फिर डी आएगा. सॉरी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट में आता है ए बी सी डी होता है ना, तो ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. वट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, तो इस सीरीज के अंदर नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा. ए के बाद देखें कितने छोड़े हुए, ई एफ जी एच आई, ठीक है, उसके बाद जे है, मतलब फोर छोड़ दिए. जे के बाद जे के एल एम, ठीक है, और उसके बाद एन आ गया, मतलब तीन छोड़ दिए. एन के बाद एल एम एन हो गया, एन ओ पी और फिर क्यू आ गया. तो क्यू के बाद कितने छोड़ने चाहिए, एक छोड़ना चाहिए, क्यू के बाद आर छोड़ दिया, एस आना चाहिए. ऑप्शन देख लेते हैं, आर पी एल और एस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एस. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे. विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से कौन सा है जो डिफरेंट है. कराची, काबुल, न्यू दिल्ली या फिर ढाका. काबुल, न्यू दिल्ली और ढाका जो हैं वो तीनों कैपिटल्स हैं कंट्रीज़ के, बट कराची जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल नहीं है. सो कराची इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. ठीक है, इफ़ फाइटर इज़ टू एट देन वाटर इज़ टू. देखिए फाइटर के अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन के बजाय इन्होंने एट लिख दिया. ठीक है, एक एक्स्ट्रा कर दिया. तो वाटर इज़ कोडेड एज, वाटर का क्या होगा, वाटर इज़ टू फाइव सिक्स सेवन या फिर एट. तो वाटर के अल्फ़ाबेट्स गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो कितना होना चाहिए, छः. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिक्स. ठीक है, इफ़ फीड इज़ कोडेड एज फोर डबल थ्री टू देन डी डबल ई एफ इज़ कोडेड एज. अब देखें डी का क्या कोड था, टू था, डबल ई का क्या रहा, थ्री थ्री, और एफ की पोजीशन मतलब चेंज हो गई तो फोर, तो क्या आना चाहिए, टू डबल थ्री फोर. अब देखते हैं टू डबल थ्री फोर किस में है, फर्स्ट में है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, टू डबल थ्री फोर. मैन इज़ टू वुमेन एज बॉय इज़ टू मैन, से अगर वुमेन है तो बॉय से क्या है, बॉय से ब्रदर है, गर्ल है, फादर है या फिर डॉटर है. तो बॉय से क्या है, गर्ल है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ गर्ल. विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से कौन सा है जो डिफरेंट है. ए सी, डी जी, एच के या फिर एल ओ. देखें ए के बाद क्या छोड़ा हुआ है, बी, फिर सी आ गया, डी के बाद क्या छोड़ा हुआ है, ई एफ, तो जी आया, एच के बाद एच, आई जे छोड़ दिया तो के आ गया, एल एम एन छोड़ा तो ओ आ गया. तो बाकी सब में दो दो छोड़ रहे हैं, पर ए के, ए सी के अंदर क्या है, सिर्फ एक कमी है, मतलब बी की. सो ए सी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, वॉट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज. देखिए 16, 32, 64, ये एक सीरीज चल रही है, 6, 12 और 12 के आगे नेक्स्ट जो है वो दूसरी सीरीज चल रही है. क्या ऑप्शन आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा, 32 आएगा या फिर 43 आएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 24. जान लेते हैं कैसे. अब ये देखें कि ये 6 था, 6 टू से 12 हो गया, 12 टू से कितना होता है, 24. सो 24 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, कमाल एंड जमाल आर ब्रदर्स. कमाल और जमाल जो हैं वो दोनों ब्रदर्स हैं. अंजुम एंड अजमल आर देयर सन्स. एक कमाल का सन है और एक जमाल का सन है. ठीक है, वट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अंजुम एंड अजमल. अंजुम और अजमल के अंदर क्या रिलेशनशिप हुआ, क्या वो कजन्स हुए, नेफ्यू हुए एक दूसरे के, सिस्टर्स हुए या फिर अंकल हुए. तो अंजुम और अजमल जो हैं वो दोनों क्या हुए, कजन्स हुए. ठीक है, इफ़ क्रीप इज़ टू कप देन ग्रीन इज़ टू. अब देखिए डबल आर डबल ई पी को हमने क्या कर दिया, यू कर दिया, तो यहाँ पर भी जी डबल ई एन है ना, तो आर डबल ई एन, आर डबल ई को क्या कर देंगे, यू कर देंगे, जी यू एन. ठीक है,
सो द करेक्ट ऑप्शन इज गन, ठीक है, जीजुएन गन. विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कौन सा डिफरेंट है, फेबररी, दिसंबर, जून या फिर मंडे. अब फेबररी, दिसंबर और जून जो हैं वो तीनों मंथ्स के नाम हैं, बट मंडे जो है वो डे का नाम है. सो मंडे इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन. मरी इज़ टू कोल्ड, मरी जो है वो ठंड से जाना जाता है. एज जकबाबाद इज़ टू, जकबाबाद किस से जाना जाता है, आइस से. हॉट प्लेस है ये, स्नो यहाँ होती है या स्ट्रीम होती है. सो जकबाबाद जो है वो हॉटेस्ट प्लेस है पाकिस्तान की, तो ये हॉट से जाना जाता है, ठीक है. इफ़ सी आर ए टी ई इज टू एक्सक्रीट, ठीक है, क्रीट इज़ टू एक्सक्रीट, देन क्यूड इज़ टू. अब देखिए ई यहाँ पे ई एक्स का इजाफा हो गया ना, तो क्यूड के साथ ई एक्स का इजाफा होना चाहिए, चार्मिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, एक्सक्यूट होना चाहिए या फिर स्मार्ट होना चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सक्यूट, ठीक है, एक्सक्यूट आंसर है करेक्ट ऑप्शन. विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से डिफरेंट बताना है. इन्फेंट, एडल्ट, चाइल्ड या फिर न्यूबॉर्न, ठीक है. अब इन्फेंट, चाइल्ड और न्यूबॉर्न जो हैं वो तीनों न्यूबॉर्न बेबीज़ की टाइप होती हैं और बेबी भी टाइप होती है, तो अडल्ट जो है वो बड़े इंसान को कहते हैं. सो अडल्ट इज़ डिफरेंट. विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, क्यू एस, ई एच, आई एल, एम पी. अब आपने मुझे बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है. वैसे मैं आपको बता देती हूँ, पर आपने इसके लॉजिक मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्यू एस, ठीक है. अब आप लॉजिक बताइएगा मुझे इसकी. वट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज. अब देखिए एल ए सी के हैं तो 9381 है, सी वाली जगह पर क्या है, 8 है, तो अब 8 पहले आ गया. ए वाली जगह पर क्या है, 3 है, तो 3 आ गया. फिर एल है तो एल क्या है, 9 है, तो 9 आ गया. और के क्या है, 1 है, तो 1 आ गया, ठीक है. अब के सॉरी सी के ए एल इसके क्या आने चाहिए, 8139 आना चाहिए. तो देख लेते हैं 8139 है हमारा, 8139. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 8139, ठीक है, समझ आई आपको. इफ़ शू इज़ टू फुट देन हेलमेट इज़ टू, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. अगर शू जो है वो पाँव के लिए, तो हेलमेट किसके लिए है, स्टील के लिए है, कॉम्बैट के लिए है, बेसबॉल के लिए है, या फिर हैवी के लिए है, या फिर हेड के लिए है. तो हेलमेट जो है वो हमेशा हेड के लिए होता है, हमारे सर के लिए. विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, काउ, हैन, डक, बुल या मेयर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बुल. बुल जो है वो सबसे डिफरेंट है, ठीक है. नेस्ट इज टू बर्ड एज डैश इज टू हॉर्स. बर्ड का अब घर जो है वो नेस्ट होता है, तो हॉर्स का क्या होता है, स्टेबल होता है, फार्म हाउस होता है, नन ऑफ दीज होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेबल. हॉर्स का जो घर होता है उसे स्टेबल कहते हैं, ठीक है. राइट द नंबर ऑफ पेयर्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है. कौन सा डिफरेंट है फॉलोइंग में से, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, फ्लावर्स एंड पेटल्स, बुक एंड पेजेस, वाटर एंड एयर. देखिए वाटर एंड एयर भी हो सकता है, बुक्स एंड पेजेस भी हो सकता है, फ्लावर्स के साथ ही पेटल्स होती हैं, पर मैथ एंड केमिस्ट्री दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो मैथ एंड केमिस्ट्री जो है वो डिफरेंट पेयर है, ठीक है. राइट द नंबर ऑफ पेयर्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, वो कौन से हैं, हॉस्पिटल एंड मेडिसिन, अब हॉस्पिटल में ही मेडिसिन होती है. बुक्स एंड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में ही बुक्स होती हैं. फुटबॉल एंड क्रिकेट, अब देखिए फुटबॉल एक अलग गेम है, क्रिकेट एक अलग गेम है. गार्डन एंड फ्लावर्स, तो गार्डन में ही फ्लावर्स होते हैं, सो अलग इनमें क्या है, फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है. बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.